नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस रोचक कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे कुंडली के एकादश भाव में केतु यदि बैठा हो तो किसी भी स्त्री या पुरुष को क्या कुछ प्रभाव शुभ या अशुभ देखने को मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने पूर्व के कार्यक्रम में अलग अलग 10 वीडियो में देखे, चाहे वो फेसबुक पेज के माध्यम से हो या यूट्यूब में कुंडली दर्शन चैनल के माध्यम से, कि केतु प्रथम भाव से लेकर दशम भाव तक में क्या क्या प्रभाव देने वाला है। और आज बात करने वाले हैं केतु, जो कि एक छाया ग्रह, जो मोक्ष के कारक ग्रह, देवगुरु बृहस्पति से इनकी मित्रता बहुत अधिक। राहु केतु का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन केतु हकीकत में क्या कुछ प्रभाव देगा एकादश भाव, क्योंकि एकादश भाव जो है वो लाभ का स्थान है, इच्छा पूर्ति का भाव है, और इसके साथ ही इनकम में प्रोग्रेस, सीनियर अधिकारियों के साथ आपका सहयोग, बड़े भाई बहनों का, बड़ी यात्रा का, बड़े लाभ का। और यदि वहां पर केतु बैठेगा तो आप ध्यान से देखें इस पत्रिका को, एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लगाया है कि वहां से केतु, चूंकि केतु महाराज को दो अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त है, सातवीं दृष्टि तो सब ग्रहों की होती है, लेकिन केतु को राहु एवं बृहस्पति के समान ही पांचवीं और नौवीं दृष्टियां भी प्राप्त हैं सातवीं के अलावा। तो आप देखें केतु अपने 5, 7, 9 दृष्टि से एकादश भाव में बैठकर आपके लग्न से तीसरे भाव में भी देखेंगे, पंचम भाव में भी देखेंगे, और सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पति पत्नी के संबंधों का जीवन, दैनिक क्रियाकर्म, डेली के कामकाज का जगह भी सप्तम से विचार किया जाता है। तृतीय भाव से पराक्रम, साहस, भाई बहनों का संबंध, पंचम से हायर एजुकेशन हो या फिर प्रेम हो या फिर एंगेजमेंट हो या संतान हो, इंटरव्यू, ऐसे बहुत सारी चीजों का विचार किया जाता है। तो केतु यदि एकादश में बैठेंगे तो एकादश को प्रभावित तो करेंगे, तीसरे भाव, पंचम भाव एवं सप्तम भाव को भी प्रभावित अवश्य करेंगे। अब केतु के असल प्रभाव को जानने के लिए इस बात को समझ लें कि केतु जिस राशि में बैठा है एकादश भाव में, उसका विचार अवश्य आपको करना चाहिए, और उस राशि का स्वामी का स्थिति आपके जन्म कुंडली में क्या है उसका अवलोकन करना भी नितांत आवश्यक है। इसके साथ बृहस्पति की स्थिति क्या है वो भी आपको विचारनी है। केतु मान ले किसी राशि में बैठा है और उसके राशि स्वामी भी बहुत अशुभ अवस्था में है या कमजोर है, तो निसंदेह रूप से केतु यहां बैठकर अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस राशि में केतु बैठे हैं उसके राशि स्वामी अच्छे अवस्था में, अच्छे जगहों पर बैठे हैं, तो शायद केतु आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। बात करेंगे कि केतु के इस भाव में बैठने से क्या क्या शुभ या अशुभ प्रभाव होगा, किन किन लगन वालों को क्या क्या प्रभाव देगा, विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले इस बात को समझ लें, यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं या धनु लगन के जातक हैं या मकर लगन के जातक हैं या कुंभ लगन के जातक हैं, तो प्रायः केतु एकादश भाव में बैठकर शुभ परिणाम देता है। और यदि आप वृषभ लगन के जातक हैं तो आपको मिश्रित प्रभाव दे सकता है। केतु यदि एकादश भाव में शुभ अवस्था में बैठा हो तो इस बात को आप समझ लें कि आपके इनकम ऑफ सोर्स में बढ़ोतरी तो करेगा ही, सीनियर अधिकारियों से भी आपके संबंध बहुत बेहतर बना देगा। आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाला है। बल्कि आप यूं कहें कि कम
मेहनत में भी कम परिश्रम में भी अधिक मुनाफा हो सकता है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रयास करते हैं प्रमोशन हो जाएगा। कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में थोड़ा सा प्रयास करते हैं कामयाबी हासिल कर सकते हैं, धन की अच्छी संचय कर सकते हैं। भाई बहनों का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा। बड़ी यात्रा छोटी यात्रा लाभदायक यात्रा होने के संकेत दिख रहे हैं। यदि केतु शुभ हो तो यहां तक कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी अगर आप जाते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, रिसर्च के फील्ड में जाते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र पूजा पाठ आदि में भी इनका रुचि विषय होता है। तर्क वितर्क करने की क्षमता इनके अंदर बहुत अधिक होता है। केतु आपको अलगाववाद तो थोड़ा सा करेगा, समाज से थोड़ा अलग रखने का प्रयास करेगा, किंतु केतु यदि शुभ अवस्था में भी बैठा हो तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ दे सकता है। हो सकता है आप समाज से कटके अपने आप में अपने धुन में अपने मस्त रहकर अपने शिक्षा में ध्यान दें, लेकिन जब ये सब परिणाम मिलेगा यदि केतु शुभ होगा तो। केतु तीव्र स्मरण शक्ति भी कराएगा आपको, यहाँ पर हायर एजुकेशन के में भी आपको लाभ देगा, खास करके यदि पंचमेश की स्थिति अच्छी हो तो उच्च शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक विदेश आदि में भी भ्रमण करते हैं या विदेश आदि में भी इनका भाग्योदय हो सकता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में भी इनको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक न्यायप्रिय होते हैं। हाँ, संतान से थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन संतान पक्ष भी ठीक रहेगा। शेयर स्टॉक लॉटरी सट्टा इन सब के प्रति भी रुचि होती है, कई बार कमाई भी होती है। ऐसे जातक खास करके केतु यदि एकादश भाव में, देखो प्रायः केतु का एकादश में ज्यादातर अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि कुंडली का एक्चुअल में तो जब आपकी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस लगा के कुंडली का कुंडली दर्शन होगा, कुंडली विश्लेषण होगा, तभी पता चल पाएगा कि केतु एक्चुअल में क्या रिजल्ट देगा। लेकिन एक आम तौर पे जो परिभाषित है उसके आधार पे इस कार्यक्रम में आपको बताया जा रहा है। केतु एकादश भाव अगर बैठा और आप बिजनेस करते तो बिजनेस में व्यापार में आपको लाभ देखने को मिल सकता है। यह अलग बात है कि चूंकि दाम्पत्य जीवन पर भी इसकी दृष्टि जा रही तो जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद कुछ मनभेद हो सकते हैं, किंतु आप स्थिति को संभालने में बाकी शुभ ग्रहों का यदि अच्छा प्रभाव हो तो आप सफल रहेंगे। तो वहीं केतु अशुभ हो तो क्या प्रभाव देगा, अब इस बात को पहले जानते हैं या किन किन लगन वालों को पहले चर्चा कर ले। केतु किस किस लगन में बैठता है, किस किस लगन के जातक को एकादश भाव में केतु बैठकर नुकसान दे सकता है, एक अंदेशा है। अब आप नोट करें, यदि आप मेष लगन के जातक हैं या कर्क लगन के जातक हैं या सिंह लगन के जातक हैं या वृश्चिक लगन के जातक हैं या मीन लगन के जातक हैं तो केतु प्रायः कई बार यहां पर अशुभ प्रभाव भी देता है एकादश भाव में बैठकर। अब केतु यदि एकादश भाव में अशुभ प्रभाव दे तो आपके काम धंधे में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, आमदनी कम और खर्चा अत्यधिक हो जाएगा, भाई बंधुओं से विवाद होगा, कोई सगे संबंधी या मित्रों से आपको धोखा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, आपके प्रोग्रेस में बार बार बाधाएं आएंगी, आपके व्यापार में बार बार बाधाएं आएंगी, सीनियर अधिकारियों से आपके टकराव हो सकते हैं, धन को लेके आपका स्थिति बहुत चिंताजनक हो सकता है, संतान पक्ष से आपकी स्थिति मतभेद हो सकती है, कोई चर्म रोग पेट में रोग गुप्त रोग गैस कब्ज एसिडिटी ऐसे बहुत सारे अशुभ प्रभाव भी केतु एकादश भाव में बैठकर कर सकता है। यहां तक कि ऊपरी बाधा
जादू टोने का असर भी ऐसे व्यक्तियों को कई बार हो सकता है, संभवतः सबके लिए नहीं बोल रहे लेकिन एक आशंका है कि ऐसे लोगों पर जादू टोने का असर भी कई बार अधिक हो सकता है यदि अशुभ हो तो। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति मति से भ्रमित होते हैं, काफी कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूजन की स्थिति होती है, डिसीजन लेने में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, जीवन साथी के साथ में उनका मतभेद हो जाता है, व्यापार में भी रुकावटें, मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे लोगों के खास करके उच्च शिक्षा में भी समस्याएं आती हैं, हायर एजुकेशन, संतान संबंधी चिंता हो सकती है, मैंने आपको पेट में रोग, ऐसे कई सारे रोगों को बताया, यहां तक कि उदर विकार भी हो सकता है। तो कुल मिला के केतु एकादश भाव में अशुभ प्रभाव भी देता है। देखना यह है कि आपके जन्म कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, नहीं तो केतु दांपत्य जीवन को भी डिस्टर्ब कर सकता है। केतु आपको समाज में अकेला कर सकता है, कई बार घर परिवार वालों के साथ भी आपके रिश्ते सही से सहज रूप से चलने नहीं देगा। तो दर्शकों सबसे बड़ी बात है कि केतु के एक्चुअल परिणाम जानने के लिए आपको अपने कुंडली का सही से कुंडली दर्शन करवाना होगा। आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करें या फिर आप यूट्यूब पर इसी चैनल पर 8 बजे रात में लाइव कार्यक्रम आता है उसमें अपना सवाल डेट ऑफ बर्थ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस देकर एक सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।